हेलो दोस्तों, मैं हूँ सिद्धार्थ और लर्न एट होम में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अपने पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के बारे में जाना। अब उस जो हमने पढ़ा पिछले वीडियो में उससे रिलेटेड मैं 25 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ। वो 25 क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेंगे और हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 25 सेकेंड्स दूंगा। अगर विद इन 25 सेकेंड्स आपको आंसर पता है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप 25 सेकेंड बाद आंसर देख सकते हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, टाइमर स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ बैंड गैप इन सेमीकंडक्टर। अगर आपको याद हो तो मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है अपनी लास्ट वीडियो में, जब मैंने बैंड गैप्स के बारे में बताया था सेमीकंडक्टर कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के। तब मैंने आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर्स का जो बैंड गैप होता है वो लगभग कितना होता है। ठीक है, आपका टाइम जो है वो ओवर होने वाला है, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। तो जो सेमीकंडक्टर्स में बैंड गैप होता है वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है, टाइम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कंटेन्स हाउ मच एनर्जी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी होती है, ये भी मैंने आपको बताया है अपनी लास्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो। अगर आप पहली बार ये मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि हर वीडियो से रिलेटेड, हर क्विज से रिलेटेड वीडियो एक बना हुआ है, उसको आप अटेम्प्ट करें, उसके बाद ही करें। टाइम चलिए ख़त्म हो गया, मैं बता देता हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल होता है। ठीक है, यहाँ यूनिट नहीं लिखी हुई है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फाउंड इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जो पाए जाते हैं। द इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन आइटम, आइटम के इनर कोर में जो पाए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं, या जो ऑलवेज फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका आंसर नंबर सी, द आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स। जो आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की, सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो इनके जो आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4। तो ये जो 4 होते हैं ये हमारे होते हैं आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अगर हम बात करें मेटल्स की या फिर कंडक्टर्स की, कंडक्टर्स, तो कंडक्टर्स में हमारे आउटर मोस्ट में पाया जाता है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये 1 जो होता है ये होता है हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अगर हम बात करें इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर में नॉर्मली जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है वो कंप्लीट होता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से ही ये इंसुलेटर होता है। तो इसके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है 8 रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ। टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस इन अ प्योर सेमीकंडक्टर, ये भी मैंने आपको बताया था अगर आपको याद हो तो। चलिए, क्या होता है, 0 होता है, पॉजिटिव होता है, या डिपेंड करता है साइज पे। ठीक है, इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशियंट होता है रेजिस्टेंस का वो नेगेटिव होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम, मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सेमीकंडक्टर में, उसका रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। ऐसा इसलिए होता है कि जब सेमीकंडक्टर में हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स आपके अवेलेबल हैं कहाँ,
वैलेंस बैंड में, ठीक है, तो जो हमारे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अगर हम हीट देते हैं तो ये क्या करते हैं, ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। कितनी एनर्जी चाहिए होती है इन्हें, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स की, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलते ही ये आपके जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पहुंच जाते हैं कंडक्शन बैंड में। तो जब ये कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं तो यहाँ एक होल जनरेट हो जाता है और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है। तो ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो प्योर सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस जो है, जब हमारी कंडक्टिविटी बढ़ती है इसकी वजह से, और कंडक्टिविटी बढ़ती है तो क्या होता है, हमारा रेजिस्टिविटी कम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो रेजिस्टिविटी कोफिशेंट जो है, टेम्परेचर कोफिशेंट रेजिस्टेंस का, वो हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइमर स्टार्ट कर लेते हैं, अगर आपको पता है तो आंसर दीजिए। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं आंसर देना, ओम मीटर में जो कॉपर की रेजिस्टिविटी है वो अगर रूम टेम्परेचर पे हम देखें तो कितनी होती है, ठीक है, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर है 1.68 × 10⁻¹। तो अगर हम कॉपर की रेजिस्टिविटी देखें रूम टेम्परेचर पे तो 1.68 × 10⁻¹ इसकी रेजिस्टिविटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इसका आंसर ऑलरेडी आपको मिल चुका है, ठीक है। चलिए फिर भी मैं आपके लिए थोड़ा टाइम देता हूँ, 25 सेकेंड, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो फिर मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, इतना टाइम सफिशिएंट है। राइट आंसर जो है वो है डी, ओम मीटर भी इसकी यूनिट है आपकी और रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम भी है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ। यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी यहाँ हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला है सीमेंस पर मीटर, सेकंड ऑप्शन मो पर मीटर, ठीक है, थर्ड ऑप्शन सिग्मा, और डी है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी, ठीक है। सीमेंस पर मिनट मीटर भी इसकी यूनिट होती है, या ओम माइनस वन और मीटर माइनस वन भी इसकी यूनिट होती है, इसको हम मो भी लिख सकते हैं, ठीक है, और मीटर को हम बटे में ले जा सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं मो मीटर की पावर माइनस वन, जैसे भी आप लिखना चाहें। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, हम बात करें अगर कंडक्टर की, तो कंडक्टर में जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस पर रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। लाइव वीडियो नहीं है फिर भी आप कमेंट तो कर ही सकते हैं। टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टर्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ता है, कंडक्टर्स के केस में आपका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इन ओम मीटर, ठीक है, चलिए मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ। तो जो आयरन की रेजिस्टिविटी है रूम टेम्परेचर पर वो कितनी है, ये आपको बताना, अगर आपको पता है फटाफट कमेंट कीजिए।
राइट आंसर इज 1.0 × 10⁻¹। अगर रेजिस्टिविटी वाला चार्ट आपने देखा होगा, लास्ट टाइम मैंने आपको दिया था, तो उसमें आपको पता चल जाएगा जो आपके कंडक्टर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी लगभग किस रेंज में मिलती है आपको, ठीक है, उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। राइट आंसर है आपका 1.0 × 10⁻¹। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। अभी हमने बात की कंडक्टर्स की, कंडक्टर्स में जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। लेकिन अगर हम यही सेम काम सेमीकंडक्टर्स में करते हैं तो क्या होता है, अगर आपको पता है फटाफट से कमेंट कीजिए क्या ऑप्शन होगा, ए बी सी डी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होता है सेमीकंडक्टर्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ टिन एट 20 °C, यानी कि रूम टेम्परेचर पे टिन की रेजिस्टिविटी क्या होती है, ठीक है, अगर आपको पता है तो फटाफट से कमेंट कीजिए। ठीक है, मुझे लगता है इतना टाइम सफिशियंट है, अगर पता है तो बता दिया होगा। इसका राइट आंसर है ए 1.09 × 10⁻¹। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे जो टिन की रेजिस्टिविटी है वो 1.09 × 10⁻¹ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टर, कंडक्टर में जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है रेजिस्टेंस का वो क्या होता है, ठीक है। अगर आपने पिछला क्वेश्चन ध्यान से सुना होगा या ध्यान से अटेम्प्ट किया होगा तो आप बता देंगे, इसके लिए मुझे नहीं लगता कि टाइमर की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसका आंसर है बी, पॉजिटिव होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, सिल्वर की रेजिस्टिविटी हमें बतानी है कितनी होती है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, अगर पता है तो फटाफट से कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं बता देता हूँ, तो सिल्वर की जो रेजिस्टिविटी है वो होती है 1.59 × 10⁻¹, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ गोल्ड, ठीक है, अगर आपको गोल्ड की रेजिस्टिविटी पता है रूम टेम्परेचर पे 20 °C पे, तो आप मेरे को फटाफट से आंसर दीजिए कमेंट में, ठीक है। तो जो गोल्ड की रेजिस्टिविटी है रूम टेम्परेचर पर वो क्या होती है, गोल्ड की रेजिस्टिविटी होती है 2.44 × 10⁻¹, ठीक है। तो जो अभी तक हम देख रहे हैं कि जितने भी कंडक्टर्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी 10⁻¹, 10⁻¹, लगभग लगभग यहीं पर वेरी कर रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको मैं एक टेबल दे दूंगा जिसमें मैक्सिमम आपके कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों दे रखे होंगे, वहाँ से आप चाहें तो उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ सिलिकॉन एट 20 °C, अगर हम सिलिकॉन की रेजिस्टिविटी की बात करें तो वो कितनी होती है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है 6.4 × 10⁻²। तो सिलिकॉन की रेजिस्टिविटी है रूम टेम्परेचर पे वो होती है 6.4 × 10⁻²। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, 4, तो सिलिकॉन आपका क्या हो गया, सेमीकंडक्टर। तो अब हम अगर सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी देखें तो आप देखो ऑर्डर चेंज हो गया ना, 10⁻²² आ गया, काफ़ी डिफरेंस हो गया आपका कंडक्टर्स से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टिविटी ऑफ जर्मेनियम, ठीक है, अब हमें बतानी है जर्मेनियम की रेजिस्टिविटी रूम टेम्परेचर पर कितनी होती है। तो ये आप भी जानते हैं कि जर्मेनियम क्या है, जर्मेनियम के भी आउटर मोस्ट में आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये क्या हो गया आपका, ये भी एक सेमी कंडक्टर हो गया।
राइटिंग्स पे मत जाइएगा, क्योंकि राइटिंग मेरी इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, और दूसरी बात अभी नया नया टैब लिया है मैंने, तो मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। तो टाइम कंप्लीट हो गया है, तो इसका जो राइट आंसर है 16 का वो है ए, 4.6 × 10⁻¹। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है, टाइम स्टार्ट कर लेते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ कोवेलेंट बॉन्ड इन सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ऑलवेज इक्वल्स टू 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ग्रेटर इन जर्मेनियम देन इन सिलिकॉन, सेम इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इक्वल टू द विड्थ ऑफ द फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, टाइम कंप्लीट हो गया है, इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये होती है हमारी विड्थ ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप। जैसे कि हमने देखा, अगर हम बात करें, दो हमारे बैंड थे, ठीक है, ये अगर हमारा वैलेंस बैंड था और ये हमारा कंडक्शन बैंड था, और इन दोनों के बीच का ये जो गैप था, इसको हम बोल रहे थे फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, और ये है हमारा एनर्जी का लेवल। ठीक है, अगर हमारा एनर्जी का लेवल ये है और ये हमारा वैलेंस बैंड है और ये हमारा कंडक्शन बैंड है, तो सेमीकंडक्टर्स में हमें अगर एक इलेक्ट्रॉन को जो है अगर उसका कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करके कंडक्शन बैंड में पहुंचाना होता है, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो कि हमारा बराबर होता है किसके, फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर। ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर हमें एनर्जी उसको देनी पड़ती है, तब वो हमारा फ्री हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंडक्टिविटी ऑफ आयरन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर हम आयरन की कंडक्टिविटी की बात करें, तो हमारी जो आयरन की कंडक्टिविटी है रूम टेम्परेचर पे वो कितनी होती है, 1.0 × 10⁻¹, 1.01 × 10⁻⁷, 1.0 × 10⁻⁷, 1.01 × 10⁸। अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर है 1.0 × 10⁻¹। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडक्टिविटी ऑफ मरकरी, मरकरी की कंडक्टिविटी कितनी होती है रूम टेम्परेचर पर। तो जो मरकरी की कंडक्टिविटी है रूम टेम्परेचर पे, वो 1.02 × 10⁶, 1.01 × 10⁷, 1.02 × 10⁷, या फिर 1.01 × 10⁸। तो जो हमारा राइट आंसर है, हमारा राइट आंसर जो है वो है ए, 1.02 × 10⁶। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, जब हम प्योर सेमीकंडक्टर को गर्म करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, अगर आपने पिछले क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट किया है, पिछला वीडियो आपने अच्छे से देखा है, तो आप इजीली समझ जाएंगे कि अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर को हीट करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, कई बार रिपीट हो चुका, जब भी हम प्योर सेमीकंडक्टर को हीट करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एक चीज़ और, अगर हम एब्सोल्यूट जीरो यानी 0 डिग्री केल्विन की बात करें, तो 0 डिग्री केल्विन पे जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और उसकी वजह से वो किसकी तरह काम करता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो 0 डिग्री टेम्परेचर पे, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज करके हम 0 डिग्री केल्विन ले आएँ, तो हमारा जो सेमीकंडक्टर है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। यानी अगर हम उसको किसी भी कंडक्टर को, सेमीकंडक्टर को बैटरी से अगर हम कनेक्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा करंट है वो फ्लो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ गोल्ड, गोल्ड की कंडक्टिविटी कितनी होगी हमारे रूम टेम्परेचर पे। तो उसके लिए चार ऑप्शन दे रखे हैं, 4.1 × 10⁸, 4.1 × 10⁻¹,
4.26 इंटू 10 टू द पावर 5, 4.28 इंटू 10 टू द पावर 8। अगर आपको राइट आंसर पता है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 4.1 इंटू 10 टू द पावर 7। गोल्ड की कंडक्टिविटी है रूम टेम्परेचर पे वो 4.1 इंटू 10 टू द पावर 7 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर, अब हम बात करेंगे कॉपर की। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सारे कॉमनली यूज होने वाले हमारे मेटल्स हैं जिनको हम एज अ कंडक्टर यूज़ करते हैं वायर्स में, अपनी इंडस्ट्रीज में। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी पूछी जा सकती है, तो इनको काफ़ी अच्छे से आप प्रिपेयर करें, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है 22 का, आपका राइट आंसर है बी, ठीक है। कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, वो होती है 5.9696 इंटू 10 टू पावर 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो हमारी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उस पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट डालते हैं, ठीक है। पहला जो दे रखा है इन्होंने क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया उस पर इफेक्ट डालता है क्या, लेंथ ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर, और लास्ट ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। पता है फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव। सबसे पहला देखो, पहला दे रखा है इन्होंने क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो जैसे जैसे हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाते हैं, ठीक है, तो मोर करंट फ्लो होगा। सीधी सी बात है, इतने एरिया में अगर हम फ्लो कराएंगे करंट और इतने एरिया में अगर हम फ्लो कराएंगे करंट तो वो बढ़ जाएगा। जैसे जैसे हम उसको एरिया को बढ़ाते जाते हैं तो उसका इफेक्ट हमारी कंडक्टिविटी पे पड़ता है, ठीक है। सेकंड है लेंथ ऑफ कंडक्टर, और लेंथ ऑफ कंडक्टर की बात करें तो हमारा जितना छोटा कंडक्टर होगा, सपोज ये लेंथ है हमारी, लेंथ है 1 मीटर, 1 मीटर, एक कंडक्टर है हमारा 1000 मीटर का। तो जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ाते जाते हैं तो करंट का फ्लो रेट जो है वो कम होता जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें छोटी लेंथ की तो उसका करंट का फ्लो रेट जो है वो ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब लेंथ का भी इफेक्ट हमारे कंडक्टर की कंडक्टिविटी पे पड़ता है। तीसरी बात करें हम टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर तो हम इतनी देर से देख ही रहे हैं, सेमी कंडक्टर्स और कंडक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वर्क कर रहा है। सेमी कंडक्टर में अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होने लगता है। अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी जो है वो हमारी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो हमारा कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टिविटी हमारी कम होगी, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि कंडक्टिविटी डायरेक्टली डिपेंड कर रही है हमारी टेम्परेचर पर भी, चाहे वो कंडक्टर हो चाहे हमारा इंसुलेटर हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर, सिल्वर की कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे हम बात कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे सिल्वर की कंडक्टिविटी कितनी होती है, 6.3 इंटू 10 टू द पावर 8 होती है, 6.3 इंटू 10 टू द पावर 7 होती है, 10 टू द पावर 5 होती है, या फिर 10 टू द पावर 8 होती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर है आपका बी, 6.3 इंटू 10 टू द पावर 7, ये हमारी सिल्वर की कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, कंडक्टिविटी ऑफ जर्मेनियम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जर्मेनियम की कंडक्टिविटी की बात करें तो वो कितनी होती है, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है आपके दोनों सेमी कंडक्टर हैं, तो सेमी कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। सेमी कंडक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आपके तीन ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके, तो सिलिकॉन हो गया जो यूज़ करते हैं मैक्सिमम हम, जर्मेनियम हो गया, कुछ कंडीशन में गैलियम आर्सेनाइड भी यूज़ करते हैं, ठीक है। गैलियम आर्सेनाइड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी अराइज हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है बी, 2.17। तो जर्मेनियम की रूम टेम्परेचर पे जो कंडक्टिविटी होती है 2.17 होती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करने वाला हूँ, तो जैसे ही मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता हूँ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, ठीक है।
लेकिन उस पीडीएफ में आपके आंसर्स नहीं रहेंगे। अगर आप आंसर्स चाहते हैं तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।